इन्फ्लेशन का बेसिक मीनिंग हम सबको मालूम है कि इन्फ्लेशन क्या होता है. सब जगह पे हम लोग देखते हैं कि इतना इन्फ्लेशन हो गया, इतना इन्फ्लेशन हो गया. तो एकदम लेमेंस लैंग्वेज पे अगर बोला जाए कि जो मनीटरी वैल्यू है या पैसे का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है. या हम ये भी बोल सकते हैं सेकेंड सिचुएशन की जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है ये इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया, ये भी हो सकता है. और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ अ सिचुएशन इन विच द वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस. और शॉर्ट में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन डिनोट्स राइज इन द जनरल लेवल्स ऑफ प्राइसेस. मतलब जो भी हो, प्राइस इधर प्राइस इंक्रीज होगा या जो मनी का वैल्यू है वो डिक्रीज होगा. तो ये होता है इन्फ्लेशन का एकदम बेसिक मीनिंग. अब देखो इन्फ्लेशन जो होता है ना, ये बेसिकली हम लोग देख के नहीं बोल सकते कि इन्फ्लेशन हो गया, हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है. अभी इस कैलकुलेशन के लिए कुछ मेथड्स होता है. यहाँ पे बेसिकली दो तरह का मेथड है. एक होता है हम लोगों का प्राइस इंडेक्स मेथड, प्राइस इंडेक्स, ओके. और एक होता है हम लोगों का जो जीएनपी है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो जीएनपी डिफ्लेटर एक मेथड होता है. अब प्राइस इंडेक्स मेथड क्या है? प्राइस इंडेक्स मेथड में दो तरह का, ये फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड होता है. एक होता है हम लोगों का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम लोग सीपीआई बोलते हैं, और एक होता है हम लोगों का होलसेलर प्राइस इंडेक्स, जो हम लोग WPI बोलते हैं. एंड ध्यान से देखना कि ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये फर्दर डिवाइड होता है तीन पार्ट में. कुछ नहीं, एक होता है रूरल के लिए, एक होता है अर्बन के लिए, और एक होता है हम लोगों का मिक्स्ड, ओके. अच्छा, जो होलसेलर प्राइस इंडेक्स है ये सेम ही रहता है. अब जो प्राइस इंडेक्स है ना, इसको मेजर करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है, जो कि प्रेजेंट ईयर का जो प्राइस है एंड जो पास्ट ईयर का प्राइस है उसके ऊपर बेस करके हम लोग करते हैं, ठीक है. मतलब जो एडिशन होता है, जो डिवाइडेशन होता है, कुछ वैल्यू दिया रहता है उसके ऊपर बेस करके हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं. तो इसका फॉर्मूला ये होता है, कुछ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर हम लेंगे तो CPI, इसको टू लिखते हैं, माइनस जो CPI 1 I 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे CPI 1 होगा, CPI 1 इंटू 100, तो हमको परसेंटेज निकल में आएगा. ये जो CPI 2 है ना, ये CPI 2 बेसिकली जो प्रेजेंट ईयर का जो प्राइस है, प्रेजेंट ईयर का जो प्राइस है वो कहलाता है. एंड ये जो CPI 1 है वो पास्ट ईयर का प्राइस कहलाता है. ये CPI 1 भी पास्ट ईयर का कहलाता है. अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले, मान लीजिए, मान लो कि जो जियो का रिचार्ज है, फॉर एग्जाम्पल ले लो कि पिछले साल उसका और इस साल पे उसका जो प्राइस है वो है 320, ठीक है. और पिछले साल जो था वो था 300, ठीक है. फॉर्मूला पे डालो 300 इंटू 100, यहाँ पे अराउंड आई थिंक 6.6% आएगा. तो हम लोग ये बोल सकते हैं प्राइस इंडेक्स के हिसाब से कि जो इन्फ्लेशन है वो 6.6% आया है सिर्फ और सिर्फ जियो रिचार्ज पे. तो ऐसे करके हम लोग ये निकालते हैं प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है. तो प्राइस इंडेक्स पे क्या है कि प्राइस में कितना चेंजेस आया है एज कम्पेयर प्रेजेंट ईयर पे, कितना चेंज आया है एज कम्पेयर टू द पास्ट ईयर, ठीक है. ये फॉर्मूला है, इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ओके. अच्छा, और एक होता है जो हम लोगों का GNP डिफ्लेटर, इसका भी एक फॉर्मूला होता है. कुछ नहीं है, हम सबको मालूम है कि GNP क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड आता है वो होता है GNP. अब यहाँ पे डिफ्लेटर जो होता है, यहाँ पे सेम तरीके का कुछ फॉर्मूला होता है. एक होता है नॉमिनल GNP, ओके, नॉमिनल GNP डिवाइडेड बाई रियल GNP इंटू 100. वैसे ही कुछ वैल्यूज रहते हैं, उसके ऊपर बेस करके हम लोग परसेंटेज निकालते हैं कि कितना हम लोगों का इन्फ्लेशन हुआ है, क्या इन्फ्लेशन हुआ है. अब क्विक रिविजन करवाता हूँ कि नॉमिनल GDP, GNP एंड रियल GNP या GDP क्या होता है, ठीक है. नॉमिनल देखिए जो करेंट प्राइस पे है, नॉमिनल करेंट प्राइस मान लो कि जो 2010 का प्राइस है उसको ही हम लोग लेंगे, 2011 का ही, 2010 का जो प्राइस है मान लो 5 उसको ही लेंगे, 2011 का जो प्राइस है मान लो 15 उसको ही लेंगे. एंड यहाँ पे यूनिट सोल्ड मान लो 10, यहाँ पे 12. तो ग्रेजुअली जो है ना वो प्राइस के साथ बहुत ही ज़्यादा डिपेंड कर जाता है. तो ये नॉमिनल होता है, ये उतना काम का नहीं होता है. लेकिन जो रियल GDP है वहाँ पे हम लोग एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं. मान लो कि ये जो 15 रुपीज़ है इसको हम लोग कॉमन दे के चलते हैं. फिर जितना प्रोडक्शन हुआ, जितना सेल हुआ, उसके ऊपर हम लोग बेस करके फिर GNP या GDP निकालते हैं. तो ये बेसिक डिफरेंस होता है. अब इससे जब हम 100 को कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज निकल आएगा. और जो सेकेंड जो थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इन्फ्लेशन का, वो होता है कॉजेस. जैसे कि मैंने क्लास में बोला था कि कॉजेस जो होता है, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, डिमांड पुल, और एक होता है हम लोगों का कॉस्ट पुश, ठीक है. अच्छा, कॉस्ट पुश जो आसान है कंपेरेटिवली, तो डिमांड पुल समझने के लिए मान लो कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड लेबर कैपिटल, उस लैंड लेबर कैपिटल में से किसी भी, मान लो कि जो लेबर या वेज रेट है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है.
तो ये इंक्रीज होगा तो इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो बर्डन आ गया ना कंपनी के ऊपर, ये जो बर्डन है, इस बर्डन को कम करने के लिए कंपनी क्या करता है, जो प्राइस है उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, पहले ही मैंने बोला था कि इन्फ्लेशन में इधर प्राइस इंक्रीज होगा या जो मॉनिटरी वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो प्राइस इंक्रीज किसके लिए हो सकता है, ये जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, क्योंकि कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले लो, ठीक है, लैंड, लेबर या कैपिटल। कैपिटल में क्या कॉस्ट आएगा, जो हम लोगों का इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो गया तो हम लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस पर ये रिफ्लेक्ट करेगा, और अल्टीमेटली जो गुड्स का प्राइस है उस पर भी ये रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, ये जो टोटल डिमांड, और हम लोग बोल सकते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है इसके ऊपर बेस करके क्रिएट होता है। ओके, अभी एग्रीगेट डिमांड पे ना कुछ फैक्टर्स होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आसानी से समझ में आएगा। एक फैक्टर होता है कंजम्पशन, मतलब पर्सनल कंजम्पशन कितना हुआ, ठीक है, खरीद के हम लोग कितने कंज्यूम किए, उसके बाद हम लोगों का इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट का क्या इंटरवेंशन है, उसके बाद हम लोगों का क्या फॉरेन ट्रेड है। इसके ऊपर अगर हम लोगों का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा ना, या मान लो कि कंप्लीट एग्रीगेट डिमांड नहीं, इसमें से मान लो कोई भी एक फैक्टर कंजम्पशन इंक्रीज हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो सप्लाई है मार्केट पे, क्लास में बोला था ना, जो सप्लाई है मार्केट पे उससे अगर ज़्यादा हम लोगों का डिमांड आ जाए तो जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। ये होता है बेसिक चीज़, ठीक है, ये होता है डिमांड। अब मान लो कि डिमांड इंक्रीज हो गया, ठीक है, अब फिर से डिमांड इंक्रीज हो गया, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सिचुएशन आ जाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट जो है वो फुल है, इससे ज़्यादा हम लोग सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तब जाके क्या होता है, फर्म जो है वो प्राइस फिर से इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जहाँ पे या तो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंटल इंटरवेंशन या इंटरनेशनल ट्रेड, कुछ भी एक पर्टिकुलर चीज़ जब इंक्रीज होगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा प्राइस पे। तो ये बेसिक चीज़ होता है इन्फ्लेशन का, एंड ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इन्फ्लेशन से।